दोस्तों, किन्नू किसानों की समस्या के समाधान के लिए दो नए विकल्प सामने आ रहे हैं। एक विकल्प है निब्बू जाति का फल डेजी और दूसरा है डी ग्रीनिंग। डेजी में किन्नू के मुकाबले कम बीज होते हैं, फल बड़ा और रसदार होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि डेजी की कटाई अक्टूबर में ही शुरू हो जाती है। आइए पहले डेजी के बारे में सुन लेते हैं, उसके बाद डी ग्रीनिंग की बात भी करेंगे। एक डेजी किन्नू जो है जी, नवी वरायटी आई है डेजी किन्नू, वो डेजी जो सीडलैस है, नाम मात्र सीड वो, और जूस बड़ा स्वादिष्ट है और वो रेड माल्टे की तरह है। वो अक्टूबर च ही आ जाता है। वो चार पाँच बाग है, रैम खड़े है, एक चोरी रेज भादू जी का है, एक डॉक्टर प्रीत जी कलर खड़े उन्होंने बाग है, फ्रूट से है। वह रेट बड़े चंगे मिले, मार्केट बहुत पसंद किया गया। तो हूँ जो 30-40 हज़ार पौधे एक्स्ट्रा लग गए, तो अगले साल होर यूनिवर्सिटी में चाहिए भी डेजी किन्नू बढ़ावा दिता जाए, जिहड़ा कि किसान इकल्ले किन्नू के नाल निर्भर रहे। भी अक्टूबर के हार्वेस्टिंग हो जाती है, वो मार्केट चंगी मिलती है। वो 60 तो 70 रुपये किलो, तो पिछले चार सालों तो मैं कर रहा 60-70 रुपये किलो विक रहा। इस करके डेजी किन्नू जो यूनिवर्सिटी में चाहिए, पंजाब सरकार को चाहिए पौधे, चंगे पौधे लिया के किसानों को दिए जाए, जो ना कि कल किन्नू के ना करके एक नवी फसल जी है डेजी, इनू बढ़ावा दिता जाए। डी ग्रीनिंग की प्रक्रिया आधुनिक चैम्बर में पूरी की जाती है। किन्नू के हरे फल को अक्टूबर में तोड़ दिया जाता है। चैम्बर में हरे फल को कूलिंग और गैस के माध्यम से पकाया जाता है। अबोहर के व्यापारी सुरेंद्र चराया पिछले कुछ वर्षों से डी ग्रीनिंग की प्रक्रिया को सफलता से पूरा कर रहे हैं। किन्नू का डी ग्रीनिंग का तरीका यह है कि जो किन्नू अक्टूबर के हल्का जहा पेड़ से कलर शुरू होंगे, जो पेड़ से 2 महीने से कलर आना है, वो चैम्बर से रख के 48 घंटे की कलर आ जाता है। कोई भी नवा फ्रूट है शुरू तो बड़ा चंगा रेट मिल जाता है, मार्केट खाली होंगी है। तो वह जो डी ग्रीनिंग करने का तरीका भी चैम्बर से रखा जाए, कूलिंग जी 20 से 22 का टैंपरेचर इन चाहिए, 95 जी ह्यूमिडिटी चाहिए है, 100 PPM जी है इनू एथलीन गैस न, जिस तरह केला पकाने उस तरह ही किन्नू भी पक सकता है। और अभी कर रहे हैं, और पिछले 2-3 साल तो मैं कर रहा हूँ, तो यदा फायदा भी मिल रहा है। तो डेजी भी इस तरह ही, डेजी जो पहले लोग इनू जनवरी तक लै जाते थे, वह अंदर सुक जाती थी, तो असी अक्टूबर से इन तोड़ के डेजी में चैम्बर से रख के पकाया, तो उसका रेट भी चंगा मिले, फ्रूट का झाड़ भी जो पूरा हाथ च आ गया, वजन भी पूरा हाथ च आ गया। तो डेजी में भी इस तरह डी ग्रीनिंग करके बड़े चंगे रेट लाए जा सकते हैं। तो डेजी के पौधे हम बहुत ज़्यादा लगेंगे, तो एक तरह का 6 महीने का एक सीजन बन जाएगा, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, किसानों को भी फायदा मिलेगा। सुरेंद्र चराया के अनुसार अगर डी ग्रीनिंग और कोल्ड स्टोर का उपयोग किया जाए तो किन्नू के सीजन को लंबा करके किसानों को लाभकारी भाव दिलाया जा सकता है। किया जा सकता है, जिस तरह कैलिफोर्निया करते हैं या होर भी कंट्रियाँ किन्नू होंगे वो डी ग्रीनिंग करते, असी भी यही किया, बड़ा कामयाब होया। सू अक्टूबर से नवंबर जो अभी डी ग्रीनिंग मतलब डी ग्रीनिंग करके तो चंगा रेट मिल जाता है। नवंबर दसंबर जो भी वैसे जो नैचुरली कलर आ जाता है, और मार्च अप्रैल असं यह चाहते हैं कि साढ़े वक्त तो वक्त कोल्ड स्टोर इतने लवाए जाए, किन्नू कोल्ड स्टोर रखा जाए, बड़े चंगी बैट शेल्फ में बुला के, तो जो मंडिया हौले हौले किन्नू जाए, ग्रट ना आए, तो किसानों को होर चंगा रेट मिल सके। 50 साल पहले डॉक्टर बालराम जाखड़ ने अबोहर को कैलिफोर्निया बनाने का सपना देखा था। आज अबोहर किन्नू और दूसरे फलों के उत्पादन में विश्व के मानचित्र पर अपनी जगह बना चुका है। किन्नू को आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए भी चाखड़ परिवार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। बड़े तो सब बलराम जाखड़ जी का एक सपना भी अबोहर में कैलिफोर्निया बना दें, और वाकई अज जो है अबोहर किन्नू के नाम से जाने जाते हैं, ये कैलिफोर्निया ही है, किसान चंगी आमदन हो रही है। और इधर ठंडे धोके चले जाइए तो कुछ भी नहीं, किसानों ने आत्महत्या करे थे, आज साढ़े तो इतने अबोहर है, तो किन्नू की एक बड़े तौर साहब की देन है। तो अज भी जो अजय कुमार अजयवीर जाखड़ जी वो बड़ा फार्मर कमीशन चेयरमैन है, वो भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं भी कोई चंगी वैक्स आए, चंगी मशीन आदि, किसानों को चंगा इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।